हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ड्राई फ्रूट्स और मोदक बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिए है बादाम, काजू, पम्पकिन सीड्स, ये थोड़ा इलायची ले ली है, ये काली मिर्च और थोड़े से किशमिश। एक कटोरी भर के मैंने डेसिकेटेड कोकोनट ले लिया है और थोड़े से डिंक मतलब एडिबल गम। अब एक स्पून में मैं घी लेती हूँ। अब बादाम थोड़े से हम फ्राई कर लेते हैं और वो फ्राई अच्छे से करके हम उसमें थोड़ा काजू भी फ्राई कर लेते हैं। फ्राई हो गए हैं, अब वो निकाल देते हैं और उसी एक चम्मच घी में ही अभी हम हमारा जो गोंद है, डिंक है, वो हम फ्राई कर लेते हैं। अगर ये बारीक बारीक इस टुकड़ा है तो थोड़े से घी में हो जाता है। थोड़े से इलायची और राई मैं ये थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ और थोड़े से पम्पकिन सीड्स। वो भी हम थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। और डेसिकेटेड कोकोनट भी हम थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सॉफ्ट रहता है डेसिकेटेड कोकोनट, तो जल्दी से फ्राई हो जाता है। कम गैस पे हम अच्छे से चला लेते हैं। रेजिन्स जो है किशमिश, उसे भी फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। चलो ये मिक्स हो गया है, इसे निकालते हैं। अब एक बाउल लेते हैं और उसमें हम जो ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे उसको पीस लिया है मैंने, थोड़ा दरदर ऐसा ही रखा है, वो निकाल लेते हैं। और जो गोंद है डिंक, वो भी मैंने अभी मिक्सी में चला लेती हूँ। पीस लेते हैं अभी उसे भी। और ये डेसिकेटेड कोकोनट का भी हम सब इसमें मिक्स कर लेते हैं। पॉपी सीड्स जो है खसखस, ये फ्राई करना रह गया था तो अब लास्ट में वो भी फ्राई कर लेती हूँ। बिल्कुल कम गैस पे 2 मिनट ही इसको थोड़ा सा चलाना है, ये जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। अभी वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। शुगर और जो हमने फ्राई किया था इलायची और राई दाना, ये अगर मिक्सी में इसे चला लेते हैं तो ये इलायची की बहुत फाइन पाउडर हो जाती है। तो अगर हम रेडी नहीं रखते हैं कई बार इलायची पाउडर, तो ये बेस्ट आइडिया है। तो अभी इसका मैं पाक बना लेती हूँ। अब एक कटोरी शुगर के हिसाब से मैं आधा कप ही पानी डाल रही हूँ। हमें इसका थिक पाक नहीं बनाना है और पतला भी नहीं बनाना है, एक मीडियम ऐसा पाक बन के रेडी हो गया है। अब इसमें हम जो हमारा ये है ड्राई फ्रूट्स का सारण, वो सब डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स हो गया ये, तो चलो अब इसके हम मोदक बनाते हैं। आज मैं ये सब मोदक हाथ से ही बना रही हूँ। मोदक मोल्ड से नहीं बनाना है मुझे, क्योंकि एक तो मोदक मोल्ड से बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं, इसलिए छोटे छोटे करके 21 बना रही हूँ। तो बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे प्यारे से ये मैं हाथ से ही बना रही हूँ।
थोड़ा ड्राई फ्रूट्स का हमने दरदरा सा रखा था ना, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है, पर वो जब खाते हैं हम तो मुंह में अच्छा लगता है, फाइन पाउडर से अच्छा। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप ज़रूर ज़रूर बताना, कमेंट्स कराना, शेयर करो, लाइक करो। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सबको गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणपति बाप्पा मोरिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।